क्या इस देश में सारे लोग अनपढ़ है? सारे लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे भरोसा करेंगे या आपके ये सीना ठोकने में भरोसा करेंगे? तो उस समय नहीं दिखती अपने 56 इंच की छाती जब हमारी बेटियां महिला पहलवान तुम्हारे सांसद की घिनौनी हरकतों के कारण है, आपराधिक हरकतों के कारण उसके धरना देती है। देश का प्रधानमंत्री देश के संविधान का हलफ लेके, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का हलफ लेके सारी चीजों का उल्लंघन सरेआम कर रहा है सिर्फ अपनी 2024 की गद्दी पक्की करने के लिए। इस सरकार की एक लाइन पर भी भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, एक तो ये है कि अगर इस तरह के महत्वपूर्ण परिवर्तन करने हैं हमारे कानूनों में, वो कानून जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को, नागरिकों के, लोकतांत्रिक देश के नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करते हैं, समाज की कानून व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, समाज की महिलाओं को प्रभावित करते हैं, तो ऐसे कानूनों पे लंबा समय लेके लंबी बहस होनी चाहिए। पहले वो जो है संसदीय समितियों के पास जाने चाहिए, उसके बाद वो प्रस्तुत होने चाहिए ना। किस बात की जल्दी है? जल्दी किस बात की है? आपने कहीं कोई इस पे चर्चा होने दी? अब तक कोई लेख पढ़ा कि ये आ रहे हैं मीडिया में? नहीं, अचानक आप आखिरी दिन लेके आ रहे हैं। अगला सेशन होगा, लेकिन अगले सेशन तक जाएगी ना ये तो बात, अभी आज लेकर नहीं भाई। तो मेरा ये कहना है कि लेकिन आप लोकसभा में प्रस्तुत जब कर रहे हैं तो जिम्मेदारी क्या है सरकार की? लोकतांत्रिक जो तरीके से निर्वाचित सरकार है वो लोगों की रोजमर्रा जिंदगी, कानून व्यवस्था जो सबसे महत्वपूर्ण है नागरिकों के जीवन के लिए, आप उससे संबंधित विधेयक ला रहे हैं आखिरी दिन? क्यों भाई, इतने दिन सो रहे थे तुम? अभी तक न उस पर कोई चर्चा हुई है न कुछ हुआ है, आपने सीधे संसद के पटल पे रख दिया। क्यों भैया, किस बात की हड़बड़ी है? और क्या है ऐसा जो आप हर चीज फटाफट जो है गोल गोल तरीके से आप कर लेना चाहते हैं? वो डिजिटल वाला प्राइवेसी वाला कानून भी आप ऐसे ही कर रहे हैं पारित। अभी जयराम रमेश ने जो है उसे संसदीय समिति से इस्तीफा दिया है। सब तो ये लगा रहे हैं आरोप कि भाई तुम चर्चा क्यों नहीं करते, हमारे पास भेजते क्यों नहीं संसदीय समितियों पे कानून? जब तुम लाना चाहते हो उससे पहले चर्चा होने दो, उसको समाज में आने दो, समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं जो उस विषय को जानते हैं उनको अपनी उस पर राय देने दो, उसकी ऊंचाई नीचाई उसका अच्छा बुरा प्रभाव की समीक्षा करने दो। आपको जल्दी क्या है? जल्दी ये है कि ये सरकार 2024 के लिए माहौल बना रही है। कल आपने देखा, आपने इसी नहीं किसी भी लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री को ऐसा 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 राज इतने ही घोर राजनीति करते संसद में सुना है कि कांग्रेस की सरकार ने 1966 में मिजोरम में अपने ही नागरिकों पे गोली चलाई एयरफोर्स से, कांग्रेस की सरकार ने स्वर्ण मंदिर में सेना घुसा दी। अरे किस लिए घुसाई थी भाई? इस देश की अखंडता और एकता की रक्षा के लिए घुसाई थी, धार्मिक विविधता की रक्षा के लिए घुसाई थी, सेकुलरिज्म की रक्षा के लिए घुसाई थी, नागरिकों की रक्षा के लिए घुसाई थी। आप प्रधानमंत्री हो या क्या हो, अभी भी आप RSS के वर्कर की तरह बोल रहे हो? आप प्रधानमंत्री जैसे इतने जिम्मेदार पद पे रहते हुए, मैं तो कल से सो नहीं पाया रात भर कल ये सोच सोच के कि आदमी कर क्या रहा है। अरे वहां जब लालडेंगा के लोगों ने वहां जो है असम राइफल्स पे कब्जा कर लिया, उनकी छावनी पे हथियार लूट लिए, वो तुम्हारे तरह की सरकार थोड़ी थी कि हथियार लूट के मणिपुर में और तुम जो है विदेश घूम रहे हो। वो इंदिरा गांधी की सरकार थी, वो कांग्रेस की सरकार थी जो आजादी का आंदोलन जिसने पूरा किया और आजादी दिलाई। आप भले ही आरोप लगाओ कांग्रेस पे कि उसने देश का बंटवारा कर दिया, रे देश का बंटवारा अंग्रेज ने किया, कांग्रेस के हाथ में क्या था जो कांग्रेस ने कर दिया? आप देश को गुमराह कर रहे हो। आप 42 की बात करते हो कि क्विट इंडिया में आपके लोग तो मुखबिरी कर रहे थे स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ, किसकी बात करते हो? किस कौन ये क्या इस देश में सारे लोग अनपढ़ है? सारे लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे भरोसा करेंगे
या आपके ये सीना ठोकने में भरोसा करेंगे, जो 56 इंच की छाती नहीं जो है तो उस समय नहीं दिखती अपने 56 इंच की छाती, जब हमारी बेटियां महिला पहलवान तुम्हारे सांसद की घिनौनी हरकतों के कारण है, आपराधिक हरकतों के कारण उसके धरना देती है, जब हमारी बेटियों के जननांगों को सरेआम नोचा जाता है, कितनी देर बोले मणिपुर पे 4.25 मिनट, फल 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 फल, टेलीग्राफ ने आज छापा है फ्रंट पेज पे, ब्ला 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 ब्ला, क्या है ये, किसको बेवकूफ बना रहे हो, कब तक बनाओगे सबको, आप कब तक बेवकूफ बना सकते हो, एकाध को तो कभी बना लोगे, वही पुराना राग, कोई तरीका है ये, आप कल्पना करके देखो कि देश का प्रधानमंत्री देश के संविधान का हलफ लेके, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का हलफ लेके सारी चीजों का उल्लंघन सरेआम कर रहा है सिर्फ अपनी 2024 की गद्दी पक्की करने के लिए, ये तो इससे बड़ा गुनाह कोई है लोकतंत्र पे, आप सोचो। अरे जिस प्रधानमंत्री ने अपनी जान न्योछावर कर दी सेकुलरिज्म के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए, आप उसकी पार्टी पे यह आरोप लगा रहे हो कि उन्होंने स्वर्ण मंदिर पे हमला कर दिया। अरे तुम्हारा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार उस हमले की जो प्लानिंग में शामिल था, उसके बाद ऑपरेशन ब्लैक थंडर में वो आदमी अंदर घुस के उसने आतंकवादियों के बीच में आपको इंटेलिजेंस दी और आपने उनके हथियार छीने आतंकवादियों के, उनको न्यूट्रलाइज किया, आप कर क्या रहे हो, ये कौन सा खेल है, कहां ले जाओगे इस देश को, क्या राजनीति को गर्त में लेके जाओगे, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करोगे, सिख आतंकवादी कहां कहां, कनाडा लंदन सब तरफ जो है हमारे ठिकानों पे हमला कर रहे हैं डिप्लोमेटिक, आज पंजाब यूरोप में बैठा है और कनाडा में बैठा है और दूसरे देशों में बैठा है, पंजाब में नशे की भयंकर आंधी चली हुई है, आप कर क्या रहे हो, माचिस दिखा रहे हो, अमृतपाल को पकड़ा नहीं पकड़ा, आप चाहते क्या हो करना, मिजोरम का एमपी खड़ा होकर बोल रहा है कि हम म्यांमारीज नहीं है, हम इंडियन है, अंग्रेज के टाइम से पहले से यहां पे, और आपने उसका माइक बंद करा दिया जब गृह मंत्री ने ऐसा बोला कि म्यांमार से आ गए लोग, सारा देश आप कह दोगे कि हर सारा देश जो है जो दूसरे देशों से इनफिल्ट्रेट होकर घुसपैठिया है, क्या है भाई ये, आप संसद के पटल पे निर्वाचित देश की सबसे बड़ी पंचायत के पटल पे आप क्या बोल रहे हो, आपके मंत्री क्या बोल रहे हैं, कोई मर्यादा है संविधान की, तो सर इसका मतलब ये है कि ये जो बदलाव किए गए हैं इसकी मंशा पर आप मतलब इसे आपको साफ नहीं लगती है इस वजह से, मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं, इस सरकार की एक लाइन पर भी भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, नीति और नियत दोनों पे दूरबीन से जो है जब तक आप नहीं कर लो जांच, जब तक पड़ताल नहीं कर लो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये कहते कुछ है, याद करो आप 1919 में चुनाव जीतते ही प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते ही नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी ने काहे को शीश नवाया था संविधान को, और पिछले 5 साल में अभी नूह में क्या हुआ है, संविधान का पालन हुआ है, मणिपुर में संविधान का पालन हो रहा है, हो क्या रहा है ये, कर्नाटक में आपने संविधान का पालन किया, जय बजरंगबली करके जनसभाओं में, देश के प्रधानमंत्री हो आप, संविधान कहता है कि हम जो है सेकुलर संविधान, सब धर्मों का सम्मान करेंगे, राजनीति में धर्म को नहीं लाएंगे, विनीता तो कुल मिला के हम है किस रट में, कहां है और कहां ले जा रहे हैं इस देश को, आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर।